हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। जैसा आप सब लोगों को पता है कि डीआरडीओ गेट के थ्रू अभी अपना एक लंबा चौड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वाली थी, लेकिन अब उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट इनने एक नया एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है और इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर डीआरडीओ में कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं तो आगे जाके इस तरीके के चेंजेस इसरो और बीआरसी में देखे जा सकते हैं, और वो है एज लिमिट का। आपने अगर फॉर्म देखा भरा होगा या नोटिफिकेशन देखा होगा तो लास्ट नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइज नंबर 145 था उसमें जनरल कैटेगरी का एज लिमिट था 28, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 35। ओबीसी का एज लिमिट पहुंच गया है 38, एससी एसटी का एज लिमिट पहुंच चुका है 40। देखो, पीएसयूज में तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि पीएसयूज जो हैं वो एक ऑटोनॉमी कैरी करके चलती हैं। गवर्नमेंट को पैसा उनको कमा के देना होता है, तो उनको भी एक क्लियर आइडिया होता है कि जब तक हमको ऑटोनॉमी आप नहीं देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम कमा के नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट वहाँ छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है डिफेंस के केस में डीआरडीओ, न्यूक्लियर के केस में बीआरसी एंड सिमिलरली स्पेस के केस में इसरो, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं है, सीधे डायरेक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनको चर्न करती है। मुझे लगता है कि आगे जाके इस तरीके का मूलचूल परिवर्तन एज में हो सकते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जिनने गेट की तैयारी की और हो सकता है एक साल पहले, छः महीने पहले, पाँच महीने पहले गिव अप कर दिया कि उनको पीएसयूज में ही जाना था, क्योंकि उनका एज जो है वो 28+ पहुँच गया था और साथ में उनको एमटेक करना ही नहीं था। तो उनके लिए एक बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल रहा है और आगे जाके लगता है मुझे कई लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक, साथ में कुछ वैकेंसीज ऐड भी की गई हैं। देखें, जैसे अगर आप देखेंगे तो लगभग वैकेंसीज मुझे ध्यान नहीं है, बट इसमें से जो वैकेंसीज ऐड हुई हैं वो है 6 वैकेंसीज फॉर द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडे। ये ध्यान देना, ये भी डीआरडीओ के साथ ही प्रोबेबली ये सिस्टर कंसर्न है। 11 वैकेंसीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी एंड 6 वैकेंसीज इन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। तो ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हियर बाय बिकम्स 181। दैट्स बीन ह्यूज, दैट्स बीन ह्यूज। बाकी आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइट से डीआरडीओ में अनरिजर्व टोटल 19 सीट है। एडीए की साइट से 1 आया है, डीएसटी की साइट से कुछ भी नहीं है। सिमिलरली मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं। ये सो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड दैट टू द स्टूडेंट जो 28+ क्रॉस कर चुके हैं, अब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग फटाफट फॉर्म भर लो और प्रॉबेबली गेट में आपने अच्छा स्कोर किया ही होगा। देखें, इन केस ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट डज नॉट हैव एनी क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट, 60% मार्क वुड बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट क्लास ऑफ इंस्टीट्यूट इन सच केसेस वेयर द कन्वर्जन ऑफ द फॉर्मुला इज नॉट एप्लीकेबल। एनीवेज, ये आप लोगों का मिनिमम क्राइटेरिया जो जनरली होता है बीटेक में, आपका इतने इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, बस वो क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है। यही मैं बोल रहा हूँ, एज लिमिट तो डीआरडीओ के अंदर जो है वो वही है, नो चेंजेस। चाहे वो आप डीआरडीओ के अंदर जाओ, एडीए के अंदर जाओ, डीएसटी के अंदर जाओ, सीएमई के अंदर जाए। देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन आरएसी वेबसाइट, प्रोबेबली कई लोगों ने किया भी होगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद ये सब प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। ये हाँ, बस ये है कि आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो आप लोगों के गेट के थ्रू होगी, कोई अलग से रिटन टेस्ट नहीं है, और उसके बाद इंटरव्यू प्रोबेबली दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली ऑन द बेस ऑफ डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज मेरिज ऑफ एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ गेट। ये जनरली कम होता है, बीआरसी में ऐसा नहीं है। बीआरसी में अगर आप एक बार आ गए हो इंटरव्यू दिलाने, तो आप चाहे 500 रैंक लेके आए हो, चाहे 1 रैंक लेके आए हो, आपका रैंक गेट स्कोर इज कोई भी सेंस नहीं करता, हार्डली सेंस भी नहीं करता ही नहीं है, बट हियर द प्रोसेस इज बीन क्वाइट डिफरेंट। तो इसका मतलब जो बच्चा अगर बहुत अच्छा स्कोर किया होगा अपने करस्पॉन्डिंग ब्रांच या डिसिप्लिन से, तो उनके थ्रू होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ इन्हें क्लियर दिया हुआ है कि 80% हम लोग एग्जैक्ट वेटेज देने वाले हैं गेट को, और बचा हुआ 20% देने वाले हैं इंटरव्यू को। क्लोजिंग डेट जो है वो ध्यान देंगे 31st of August है। ये ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एंड बी कनेक्टेड विद अस। ठीक है, तो अभी तक कोई हमको पेड फॉर्म में ज्वाइन नहीं किया होगा, तो अनअकैडमी में ऑलरेडी आप लोगों का बम्फर ऑफर चल रहा है, और अब इससे ज़्यादा लेट करने का नहीं है गेट। अगर आप ये सोचेंगे इससे ज़्यादा लेट करके गेट में अगर अपन बहुत अच्छा कर लेंगे, चांसेस आर बीन वेरी लेस। तो हमारे पास आइकॉनिक और प्लस 2 अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट हैं। मैं तो ये बोलूँगा बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंस नहीं है, और अगर आपको जाना है तो आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं हम, क्योंकि आइकॉनिक में जो आप लोगों को कस्टमाइज फीचर्स मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन का प्लान, और या फिर इवन आप लोगों को हार्ड कॉपी होम डिलीवर्ड मिलेगी, जो 13,000 की तो केवल हार्ड कॉपी है,
वो आपको प्लस में नहीं मिलने वाली, एज यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। ये देखें प्लस और आइकॉनिक थोड़े से प्राइस डिफरेंस है, और ध्यान देना हम आपको एक कंप्लीट इकोसिस्टम दे रहे हैं। इकोसिस्टम इन द सेंस ना केवल हम आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, बल्कि आप लोगों के डाउट वन टू वन सॉल्व करेंगे, आप लोगों के बुक्स भी जो है वो घर में हैंड डिलीवर्ड होंगी, और साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट तो ये सब साथ में दिए जाएंगे। तो ओवरऑल एक पूरा इकोसिस्टम दे रहे हैं आप लोगों के रिजल्ट को नरिश करने का। सो बी कनेक्टेड विद अस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।